हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने पीसी के ड्राइवर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आपके मान लीजिए आपने पीसी को फॉर्मेट किया तो आपका ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए आपको ड्राइवर पैक 13 का ISO फाइल आता है, इसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उस फाइल जीप फाइल में रहता है, तो उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो उसी नाम का फाइल डेस्कटॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा आ चुका है, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, तो इसको आपको रन करना है, ठीक है। तो इसको आपको रन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल कर देने के बाद ये आपका जो है ऑटोमेटिकली देखिए इंस्टॉल ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ISO फाइल है, तो यहाँ पे हमारा 12 ड्राइवर जो है मिसिंग दिखा रहा है, 11 ड्राइवर मिसिंग दिखा रहा है। तो इंस्टॉल एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी ड्राइवर मिसिंग है इसके ऊपर सिलेक्ट करके स्टार्ट इंस्टॉलेशन दे देना है। तो ये देखिए हमारा ये जो ड्राइवर मिसिंग है ये आपका इंस्टॉल हो रहा है अपने पीसी में। तो आपका पीसी या फिर लैपटॉप कोई सा भी कंपनी का हो, तो आप इसमें अगर आपका मदरबोर्ड का सीडी जो खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो इस छोटा सा एप्लीकेशन की मदद से जो है आप अपने पीसी के किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ड्राइवर पैक 13 नहीं है तो आप जो है 13 को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपका 15 भी आता है या फिर 17 आता है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके फ़ोन का भी ड्राइवर अगर मिसिंग आता है कॉलकॉम वगैरह का, तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो है कर सकते हैं। इसका अगर आप ISO फाइल डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इसका एक ऑनलाइन भी एक एप्लीकेशन आता है KB करके, तो उसको भी आप डाउनलोड करके अपने PC के ड्राइवर को, मिसिंग ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए हमारा वाईफाई अडोप्टर ड्राइवर जो है यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, 97%। तो ये 100% होने के बाद आपको पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो आपका पीसी रीस्टार्ट होगा तभी जो है ड्राइवर पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है 97% जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100% हो चुका है, लेकिन हमारा पीसी यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है, तभी ये जो है प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ी टाइम के लिए वेट कीजिए, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जो है यहाँ पर देखिए जो वाईफाई अडोप्टर का ड्राइवर हमारा इंस्टॉल था, तो इसको हमको अनचेक कर देना था, तो हमने इसको अनचेक नहीं किया था, इसीलिए ये अब जो है नहीं हो रहा है रिस्टार्ट। तो आपको मैनुअली इसको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको रिस्टार्ट कर देंगे तो आपका पूरा ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका ISO फाइल इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।